सबसे बड़ी दिलचस्प बात करती हो और आज का वीडियो होने वाला है मेरा साइकिल के बारे में। आप लोगों को बताना चाहते हो कि मेरा साइकिल किस किस लोगों को लेना चाहिए और किसको लेना नहीं चाहिए और किसके लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है। सब दूध का दूध पानी का पानी आप सब लोगों को पता चल जाएगा। आज ले मैं साइकिल रख करके आया हूँ, चलो फ्लैशबैक में है। दोस्तों हम लोग फाइनली घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। सो हमारा कुछ भी प्लानिंग नहीं था यहाँ पर आने के लिए, जस्ट घूमने के लिए आया था, पर कुछ इस तरीके से नज़र देखने के लिए मिल गया हम लोगों को, इसलिए मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अभी हम लोगों को इसको पार करके जाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, इसको साइकिल चला कर देखती हूँ क्या ये साइकिल चला कर जा पाएगी या फिर नहीं। इस ब्रिज को, अरे तू आगे जाओ, मैं तेरे पीछे पीछे जाऊँगा यार। यार यहाँ पर कौन रेस खेलेगा रे? देखने के लिए मिल रहा है यार। अरे यार मजा ही कुछ अलग है यार दोस्तों। ये तो खराब हो गया यार। अलग ही मजे मिलते हैं यार यहाँ पर तो। कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए यार दोस्तों। अरे यहाँ पर बिहू हो रहा है क्या? कुछ आवाज सुनाई दे रहा है यार दोस्तों। चलो चल कर देखी हो, शायद दोस्तों यहाँ पर बिहू हो रहा है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर बिहू हो रहा है, मेरा मतलब आज रात बिहू होगा यहाँ पर ही बिहू होगा आज रात। सो अभी हम लोगों को यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। मेरे को लगता था बिहू चालू हो रहा है लेकिन यहाँ पर अभी रात को ही होगा। चलो दबाओ लगाओ हाई। Thank you.
मैं आप लोगों को बताना चाहते हो कि मेरा साइकिल किस किस लोगों को लेना चाहिए और किसको लेना नहीं चाहिए और किसके लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है। सब दूध का दूध पानी का पानी आप सब लोगों को पता चल जाएगा आज ये रेस के लिए अच्छा है या फिर दिल्ली यूथ स्कूल कॉलेज के लिए अच्छा है, इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं इस साइकिल की क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूँ मैं, सो कौन कौन सा अच्छा है और कौन कौन सा गलत है। आज मैं दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूथ स्कूल कॉलेज के लिए अगर आप इस साइकिल को रफ और स्पीड में चलाना नहीं चाहती हो और आप इस साइकिल को दिल्ली यूथ स्कूल और कॉलेज के लिए यूज करना चाहती हो तो ये अच्छा है। और दोस्तों आप इस साइकिल को रेस के लिए और रफ चलाने और स्टैंड करने के लिए आप इस साइकिल को लेना चाहती हो तो ये आपके लिए नहीं है। और दोस्तों एक बात, आप इस साइकिल को लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहते हो तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, पर आप ले जा सकते हो। अगर आपका साइकिल लॉन्ग राइड करते समय पंचर हो गए तो और कोई चीज़ ख़राब हो गए तो मैकेनिक दुकान मिलने का बहुत चांस कम है। तो दोस्तों मैं इस साइकिल से लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मेरे को पता है इस साइकिल को लॉन्ग राइड करने में क्या दिक्कत आएगी आपको। दोस्तों सबसे पहले आपका हाथ में पेंट होगा, उसके बाद आपके कमर में पेंट होगा, बिकॉज आप इस साइकिल को चलाने के लिए पेंट होकर चलाना पड़ती है। एक बात बताना चाहती हूँ मैं, सो ये फ्रंट गियर, मेरा फ्रंट गियर काम नहीं कर रहा है, ये 3 दिन से पहले ये खराब हो चुका है, 3 दिन से पहले ही खराब हो चुका है ये मेरा फ्रंट गियर। और ये टायर भी लास्टिंग होगा या फिर नहीं होगा मेरे को नहीं पता। अभी 16 डेज कंप्लीट हो गए ये मेरा साइकिल, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये टूटा है इधर, मैं पैदल के ये कवर टूटा है, ये कवर टूटा है, ये तो मेरे गलती से हुआ है। ये कुछ इस तरीके से पैर लगकर ये टूट गया था। ये अगर आप लोग अच्छे से चलेंगे तो टूटेंगे भी नहीं, मेरे से गलती होकर ये टूट गया है। तो ये यहाँ पर मैं सिल स्टिक रखा। और दोस्तों यहाँ का स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है और ब्रेक ना, ब्रेक एकदम क्या ही पता यार, आगे का दोनों ब्रेक ही अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं 16 जैसे हो गया है मेरे चलाते हुए और दोनों ब्रेक आगे और पीछे का दोनों ब्रेक ही अच्छा है। और ये अगर आप लोग ज़्यादा ब्रेक मारती है तो ये थोड़ा सा लूज हो जाती है, इसको आप लोगों को टाइट करना पड़ता है। और इसको भी सेम वैसे ही है, अगर आप लोग ज़्यादा ब्रेक मारती हो तो इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, ये लूज हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइट खरीदा था, ये लाइट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइट खरीदा था, लेकिन ये लाइट 5 डेज हुआ है, अभी ये ख़राब हो गया, ये ऑन, ये इधर में ऑन करते हुए ये ख़राब हो गया है, इसको अभी ठीक करना पड़ेगा, ठीक करके अभी वापस से रात को राइड करना पड़ेगा। और इसका कलर तो अच्छा है काफ़ी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसका कलर। और सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, दूसरे सस्पेंशन की मुकाबला करते तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने चला कर भी देखा है दूसरे सस्पेंशन वाला साइकिल को, मेरा साइकिल जैसे अच्छा सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है कि ये गियर वाला थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे से गियर चेंज हो जाती है। आप इसको एक बार करते हो तो तीन गियर में थोड़ा सा अटक जाते हैं और एक बार फेस करना पड़ता है, दो बार फेस करना पड़ता है। दोस्तों मैंने कोई चीज़ बताने के लिए भूल गया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए कोशिश करूँगा। सो आज का वीडियो इतना सा ही, अभी दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ, सो अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा घर में जाने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, अगर आप लोग नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो तक, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।